أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन नवा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा 15वां लेक्चर है। दोस्तों, आज की क्लास भी हमारी मीटिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जारी रहेगी और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रपोजल एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल के हवाले से। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी पिछली क्लास क्लास 14 का सोल्यूशन देखते हैं, जो एक्टिविटी मैंने आपको नोट करवाई थी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक मीटिंग कैन बी क्वाइट डिटेल एंड लेंथी। तो हमारे पास जो फॉर्मल मिनट्स ऑफ मीटिंग होती हैं, ये क्वाइट डिटेल्ड और लेंथी होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। कि ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं जो हम मीटिंग के दौरान जो है जिनको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है, विच मीटिंग इज टेकन प्लेस एनीवेयर। कि कौन सी ऐसी हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो कहीं पर भी लिखी जा सकती है, कहीं पर भी रिकॉर्ड की जा सकती है, तो वो हमारे पास इनफॉर्मल मिनट्स ऑफ मीटिंग था। द मेन पार्ट्स ऑफ मेमो आर, कि हमारे पास मेमो के कौन कौन से मेन पार्ट्स थे। तो हमारे पास मेमो के जो मेन पार्ट्स थे उसमें एड्रेस था, उसमें डेट थी और मेमो का सब्जेक्ट था। दोस्तों, इन एक्टिविटीज को करवाने का मकसद बेसिकली ये है कि ना सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट में सिखा सकूं, बल्कि आपके जो एग्जाम्स हैं, वो चाहे मिड टर्म हो चाहे आपका फाइनल टर्म हो, उनकी भी तैयारी जो है वो आपकी साथ के साथ हो सके। तो इसलिए मैंने अपने लेक्चर्स के साथ इन एक्टिविटीज को अटैच किया है। और द ब्यूटी ऑफ माई लेक्चर्स इज कि वो यही है कि ये जो मैं एक्टिविटीज जो है हर क्लास के इख्तिताम पे देता हूँ, मेरे लेक्चर्स की जो ब्यूटी है वो यही है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रपोजल के हवाले से। हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रपोजल का एक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो तीन पार्ट हैं प्रपोजल के स्ट्रक्चर के, फ्रंट मैटर है, बॉडी है और एंड मैटर है, वो हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रपोजल बेसिकली होता क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 मिनट से जो है हम लोग प्रपोजल की ही बात किए जा रहे हैं। अ प्रपोजल इज अ प्लान और एन आइडिया। ये या तो एक प्लान होता है या कोई आइडिया होता है। ऑफन अ फॉर्मल आर रिटन वन, ये फॉर्मल भी होता है और रिटन फॉर्म के अंदर होता है। विच इज सजेस्टेड फॉर पीपल, जो लोगों को सजेस्ट किया जाता है या लोगों को प्रपोज किया जाता है टू थिंक अबाउट, कि वो इसके बारे में सोचें एंड डिसाइड और फैसला करें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, या तो वो इसको मंजूर करें या फिर वो इसको खारिज करें या मुआखर करें। तो प्रपोजल हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम अपना आइडिया लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर उन लोगों को वो आइडिया पसंद आ जाता है या हमारा प्लान पसंद आ जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर वो उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक समझ लें मीटिंग डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है प्रपोजल का। अब इसके अंदर हमारे पास तीन मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रपोजल को राइट करने के। सबसे पहला जो है वो है फ्रंट मैटर, इसके बाद दूसरा जो है वो है बॉडी, और जो हमारे पास तीसरा और आखिरी पार्ट है प्रपोजल को राइट करने का वो है एंड मैटर। अब हम दोस्तों बारी बारी इन तीनों पार्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले है जी फ्रंट मैटर। अब इसमें देखें, सबसे पहले टाइटल पेज है, टाइटल पेज। अब अगर हम कोई प्रपोजल बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले टाइटल पेज डालते हैं, उसमें उस कंपनी का लोगो आ जाता है, उस कंपनी का, उस प्रपोजल का टाइटल आ जाता है, उस कंपनी के लिए जिसके लिए हम बना रहे हैं उनका लोगो आ जाता है, जो कंपनी प्रपोजल बना रही है और जिनके लिए बना रही है उन दोनों कंपनियों का लोगो आ जाता है, उसमें आपकी क्रिएशन डेट आ जाती है जो आप प्रपोजल राइट कर रहे हैं। और आज की ही इसी क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको जब एक प्रपोजल का दिखाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये आपका टाइटल पेज है। उसके बाद हम समरी देते हैं,
कि हमारी उस प्रपोजल की ब्रीफ समरी क्या है, उसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, उसके बाद आ जाती है जी हमारी बॉडी उस प्रपोजल की। अब बॉडी के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इसके अंदर टेक्निकल कोई अप्रोच अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो लिखते हैं, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं और वर्क प्लान लिखते हैं कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट के हवाले से प्रपोजल दे रहे हैं तो उसका वर्क प्लान ये होगा कि कितने अरसे के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर हम दोस्तों फ्रंट मैटर को देखें तो इसमें एक चीज और ऐड हो गई है जो कि लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल है, कि अगर हमारी उस प्रपोजल के अंदर कोई पिक्चर है कोई टेबल है तो उसको भी हमने लिस्ट डाउन करना है। तो बॉडी के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन डालेंगे अपने प्रपोजल का, कोई टेक्निकल अप्रोच यूज की है वो डालेंगे, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके लिए बजट कितना रिक्वायर्ड है, वर्क प्लान क्या है, कितने दिनों के अंदर हम कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और ये सारी डिटेल हम बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एंड मैटर आ जाता है, तो एंड मैटर के अंदर हम लोग बिब्लियोग्राफी यूज करते हैं, रेफरेंसेस यूज करते हैं और अपेंडिक्स लगाते हैं। रेफरेंसेस के हमने कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है इस प्रपोजल को बनाने के लिए, अगर आप कोई रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं हम रेफरेंसेस डालेंगे, हम बिब्लियोग्राफी डालेंगे, अपेंडिक्स के जो चीज किसी भी हेडिंग के अंदर नहीं आती, ना तो वो बॉडी के अंदर आती है ना वो फ्रंट मैटर के अंदर आती है, हमारे पास कोई फॉर्म है उस कंपनी के हवाले से ऑफ प्रपोजल के साथ जिसको अटैच करना जरूरी है, तो वो फिर हम अपेंडिक्स के अंदर उनको स्कैन कॉपीज करके लगा लेते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हम लोग प्रपोजल बनाते हैं। दोस्तों इस प्रपोजल के स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको दो पेजेस नजर आ रहे हैं, कम स्पेस होने की वजह से मैंने इनको लेफ्ट राइट दिखा दिया, वरना ये एक ही पेज सीक्वेंस से चलता रहता है, चाहे वो 10 पेजेस हो जाएं चाहे वो 20 पेजेस हो जाएं। नॉर्मली जो प्रपोजल है वो एटलीस्ट आपका 5 to 10 पेजेस के ऊपर होता है और इससे कम भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, पहले जो है शुरू के अंदर आपको टाइटल नजर आ रहा है और टाइटल में उस कंपनी का नाम है, ओरिजिन है ऑफ कंपनी के बारे में हमें बताया गया, बेनिफिशरीज हमें बताए गए हैं, पार्टनर्स बताए गए हैं, ड्यूरेशन बताया गया, द प्रोजेक्ट विल बी टेक 12 मंथ्स, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो 12 माह के अंदर खत्म होगा। इसके बारे में बजट बताया गया कि हमारे पास $1900 जो है वो बजट रिक्वायर्ड है, थीम हमें बताया गया, प्रायोरिटीज इश्यूज बताए गए हैं, इसका गोल बताया गया, ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, इसकी एक्टिविटीज हमें बताई गई है। यहाँ पे ये विजिबल नहीं है लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपका जो प्रपोजल है वो इस तरीके से हो सकता है। एक्शन नीडेड, अगर कोई एक्शन लिया गया तो वो दिखाया गया और आगे हमें बजट की डिटेल बताई गई है कि हमें फोटो के लिए इतना है, विलेज मीटिंग के लिए इतना है, मंथली फिल्टर के लिए इतना है, ऑयल ड्रम के लिए इतना है, बेस्ट कीप विलेज इतना है, पब्लिसिटी के लिए इतना, इवेल्युएशन के लिए इतना, और टोटल हमारे पास $1900 जो है वो टोटल बजट दिखाया गया और हर एक्टिविटी का हमें बताया गया 12 माह के अंदर हम इन एक्टिविटीज के ऊपर काम करेंगे और जैसे जैसे हमारी कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती जाएगी तो हमारा जो बजट है वो रिलीज होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रपोजल है किसी कंपनी का और ये मैंने आपको एज अ सैंपल दिखाया। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास खत्म करने से पहले, जैसे आपको पता है कि हर क्लास के इख्तिताम पे मैं आप लोगों को एक्टिविटी देता हूँ, एक्टिविटी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करें। ये जो हमने आज लेक्चर पढ़ा है उससे रिलेटेड एक्टिविटी है और इसे अगली क्लास में आने से पहले सॉल्व करके मुझे चेक करवाएं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम जो है वो की टू सक्सेस है, बहुत सारे लोग जो है इससे फैमिलियर भी होंगे। अगर आप कम वक्त के अंदर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आप उस चैनल को जरूर विजिट करें, जिसका URL जो है वो यही है youtube.com/keytosuccessforyou। और ये आपको मेरे इसी चैनल टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर भी, मेरे जो चैनल्स की लिस्ट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जस्ट यूट्यूब ओपन करें और सर्च बार में जाके की टू सक्सेस लिखें तो आपको ये चैनल मेरी पिक्चर्स के साथ मिल जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, एक बार क्विकली समराइज करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की प्रपोजल के ऊपर, हमने देखा कि हम प्रपोजल को कैसे लिखते हैं और इसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिसमें फ्रंट मैटर है, बॉडी है,
और एंड मैटर है, इनको देखा, ना सिर्फ देखा और मैंने आपको बताया कि इनके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें लिखते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, ताकि उनको भी फायदा हो। और मेरे सारे चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, की टू सक्सेस और होम स्टफ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।